Hey guys, welcome to my channel. Guys, अगर आपने एक नया डेस्कटॉप बिल्ड किया या फिर आप कई सारे गैजेट्स एक साथ यूज करना चाहते हो और आप उसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड ढूंढ रहे हो तो यार आज हम जो है वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं जीएम की तरफ से आने वाले इस एक्सटेंशन बोर्ड की जिसका मॉडल नंबर है 3060। अमेज़न पर इसके यार काफी अच्छे रिव्यूज थे। जीएम एक काफी अच्छा यहाँ पर ब्रांड है जो है वो बताया जा रहा है, तो यार मैंने सोचा इसको यहाँ पर जो है वो बाय करके इसका रिव्यू कर दूं। तो यार एक हफ्ते से इसे यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे सारी चीजें पता चल चुकी हैं, क्या इसमें मुझे अच्छा लगा, क्या यहाँ पर मुझे इसका खराब लगा, सब बताऊंगा। तो यार चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये रहा बॉक्स, सामने की तरफ आप देख सकते हो जीएम की ब्रांडिंग आपको दी गई है। 4+1 लिखा गया कि यहाँ पर 4 स्विच आपको मिलते हैं और एक मास्टर स्विच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर प्राइस लिखी गई है, तो देख सकते हो प्राइस यहाँ पर जो है वो 650 लिखी गई है। 650 यहाँ पर प्राइस लिखी गई है, जो कि ये यहाँ पर जो है वो 400 से लेकर 450 के बीच आपको अमेज़न पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर जो है वो अपने यूनिट को जो है वो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर में कुछ खास ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है आपको, यहाँ पर जो है वो आपका जो मेन यूनिट है वो देखने को मिलता है। तो इसे मैं फटाफट से बाहर रख देता हूँ। और ये रहा हमारा मेन यूनिट, यहाँ पर आपको जो केबल दी गई है वो रेड कलर में यहाँ पर दी गई है, और जो मेन यूनिट है वो यहाँ पर थोड़ा जो है वो वाइट कॉम्बिनेशन में दिया गया है। साइड में आपको जो है यहाँ पर रेड कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको मास्टर स्विच मिलता है, तो आप इससे सारे प्लग्स को यहाँ पर कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ से आप इन्हें ऑफ और ऑफ कर पाओगे। सामने की तरफ यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है, जब हम कनेक्ट करेंगे इसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 स्विच दिए गए हैं, सभी स्विचों में आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर दिया गया, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर डाल देता तो कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है, जीएम की ब्रांडिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्विच दिया गया, तो अगर इस पर ज्यादा लोड पड़ जाता है तो यहाँ पर जो थर्मल ट्रिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया वो कट मार जाएगा और फिर यहाँ से आप उस बटन को दबाकर वापस इसे वर्किंग में ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। और बिल्ड की बात करें तो बिल्ड यहाँ पर ठीक है, अगर ये गिर भी जाएगा तो कुछ खास यहाँ पर जो है वो नहीं होगा, और मेरे ख्याल से बिल्ड यहाँ पर मुझे ठीक लगी। इसके अलावा केबल की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको केबल में एक स्ट्रैप भी दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज है यहाँ पर आपको मिलती है। तो साथ साथ केबल की बात करें तो मैंने इसे जो है वो देखा है, आराम से जो है वो 2 मीटर की केबल आपको मिल जाती है। साथ साथ प्लग भी यहाँ पर आपको 3 पिन वाला मिलता है, इंडियन प्लग है, 6 एम्पियर यहाँ पर आउटपुट सपोर्ट करता है ये प्लग। साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर जो इसके टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर आपको जो है वो टोटल मैक्स लोड जो है वो 10 एम्पियर का मिलता है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको सभी प्लग मिलाकर 10 एम्पियर जो है वो यूज़ करना होगा। इसका मतलब अगर आप जो है इसमें फ्रिज या फिर इसमें जो है हायर अप्लाइंसेज जो यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको छोटे मोटे जैसे कि यहाँ पर आप चार्जर वगैरह यूज़ कर सकते हो या लैपटॉप का चार्जर आप जो है वो आराम से लगा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाली। साथ साथ यहाँ पर सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इंडियन सॉकेट तो दिया ही गया, ऊपर से इंटरनेशनल सॉकेट भी आप लगा सकते हो, चाइनीज सॉकेट भी यहाँ पर लगा सकते हो और यूएई सॉकेट भी यहाँ पर आप आराम से लगा पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। पीछे की तरफ बात करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दिए गए, अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए। इसके अलावा साइड में आपको जो है वो वॉल माउंट भी दिया गया, तो आप इसे वॉल पर आराम से रख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्सचर देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पर जो है वो 240 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पर जो है वो रन करता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फटाफट से यार इसे हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो लाइट वगैरह कैसे जलती है। तो यार फाइनली हमने अपने एक्सटेंशन बोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो मेन स्विच है जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे यहाँ पर देख सकते हो लाइट यहाँ पर जो है जल जाती है, इसका मतलब अब आप अपने एक्सटेंशन बोर्ड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लोड की बात करें तो 10 एम्पियर तक का मैक्स लोड बताया गया, तो आप किसी एक में 10 एम्पियर यूज कर सकते हो या फिर आपको चारों में कंबाइन करके 10 एम्पियर यूज करना होगा। अगर उससे ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड कट भी मार जाए। तो एम्पियर चेक करने के लिए क्या करना है, कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट ले रखा है, यहाँ पर देख सकते हो एम्पियर जो है वो लिखा हुआ है 0.3 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, आप किसी भी प्रोडक्ट का चेक कर सकते हो। तो फटाफट से यहाँ पर जो मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लग लगा दिया, ये मैं दूसरा यहाँ पर प्लग लगा रहा हूँ, और अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका चार्जर भी जो है वो आराम से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चार्जर भी मैंने जो है यहाँ पर लगा दिया, लेकिन अब अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हो, अगर उसका प्लग छोटा है तो आप जो है यूज़ कर पाओगे, लेकिन बड़ा है तो जो है ये फिट नहीं आएगा। ऐसी कंप्लेंट काफ़ी सारे लोगों ने अमेज़न पर की हुई कि इसके 4 में से 3 प्लग ही यूज़ कर पाओगे, 1 प्लग यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो जगह आपको दी गई है वो काफ़ी कम है। देख सकते हो एक्सटेंशन बोर्ड में इतनी जगह जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर थर्मल चिप लगी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपके एक्सटेंशन बोर्ड के पोर्ट हैं उनको काफ़ी करीब करना पड़ा, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से यही दिक्कत काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर हो रही है, बाकी सब कुछ यहाँ पर जो है वो अच्छा आपको दिया गया, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होने नहीं वाली है। साथ साथ 1 ईयर की आपको वारंटी दी गई, तो कोई भी दिक्कत होगी तो आराम से जो है वो रिप्लेस भी हो जाएगा या फिर यहाँ पर आपको जो है वो
जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर से इसको देख सकते हो। इसकी प्राइस जो है वो लगभग 429 रुपीज़ के आसपास अमेज़ॉन पर चल रही है, चेकआउट कर सकते हो। प्राइस जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, लेकिन उसके लिए आपसे कोई भी दिक्कत मुझे 7 दिन के अंदर यहाँ पर नहीं लगी। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अगर बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।